वर्तमान पुनरीक्षण याचिका में चुनौती ट्रायल कोर्ट द्वारा 24/1/2001 को पारित आदेश को दी गई है, जिसमें वादी द्वारा आदेश 11 नियम 14 CPC के प्रावधानों के अनुसार रिकॉर्ड प्रस्तुत करने के लिए दायर आवेदन को अनुमति दी गई थी, ताकि वादी को समर्थ बनाया जा सके। फुल स्टॉप प्रभावी रूप से प्रतिवादी के लिखित बयान की प्रतिकृति दाखिल करने के लिए फुल स्टॉप वादी ने इस आशय की घोषणा के लिए एक मुकदमा दायर किया है कि वह विधिवत योग्य है और पंजाब सिविल सेवा कार्यकारी शाखा के पद के लिए परीक्षा में चयनित है और उत्तरदाता संख्या 3 द्वारा आयोजित पद के लिए साक्षात्कार, जिसके परिणाम को अस्वीकार कर दिया गया था, 7/11/1994 को फुल स्टॉप वादी ने PCM कार्यकारी के सदस्य के रूप में नियुक्ति की परिणामी राहत के साथ साथ वरिष्ठता 7/11/1994 से या ऐसी अन्य तिथि से प्रभावी किया गया था। फुल स्टॉप उक्त वाद में प्रतिवादी ने एक लिखित कथन प्रति दाखिल किया। फुल स्टॉप पैरा 2001 की CR संख्या 1051, जिनमें से वर्तमान संशोधन याचिका के साथ संलग्न के रूप में संलग्न किया गया है। फुल स्टॉप प्रतिकृति दायर करने से पहले वादी ने इस आधार पर रिकॉर्ड पेश करने के लिए आवेदन दायर किया कि लिखित बयान अस्पष्ट है। फुल स्टॉप उक्त आवेदन के उत्तर में आयोग का यह मत था कि सिविल सूट की पोषणीयता अभी तक न्यायालय द्वारा निर्धारित नहीं की गई है, क्योंकि सिविल सूट कालातीत है और पटियाला के न्यायालयों के पास सिविल सूट का मनोरंजन करने के लिए कोई क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र नहीं है। फुल स्टॉप आगे यह तर्क दिया गया है कि लोक सेवा आयोग संवैधानिक निकाय है, जैसा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 315 के तहत परिभाषित किया गया है, और संवैधानिक दायित्व केवल एक संवैधानिक पीठ द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। फुल स्टॉप पैरा यह भी प्रस्तुत किया गया था कि उम्मीदवारों की परीक्षा से संबंधित पूरा रिकॉर्ड इस न्यायालय के समक्ष 1994 की सिविल रिट याचिका संख्या 17490 में पहले ही प्रस्तुत किया जा चुका है और आयोग के पास PCS कार्यकारी के चयन से संबंधित रिकॉर्ड नहीं है और वर्ष 1994 की अन्य सेवाओं की तरह फुल स्टॉप वर्तमान पुनरीक्षण याचिका को स्वीकार करते हुए इस न्यायालय ने 23/1/2004 को एक आदेश करने की अनुमति दी गई। फुल स्टॉप यह आदेश दिया गया था कि यदि कोई आवेदन प्रस्तुत किया जाता है तो वादी को इस दौरान रिकॉर्ड का निरीक्षण करने की
अनुमति दी जाएगी। पुलिस्टोक याचिकाकर्ता ने उक्त आदेश को वापस लेने के लिए आवेदन दिया था। पुलिस्टोक उक्त आवेदन को 31/1/2005 को खारिज कर दिया गया था। पुलिस्टोक दोनों आदेश अर्थात दिनांक 23/3/2005 को आदेश लोक सेवा आयोग द्वारा विशेष रूप से चुनौती का विषय है। फुल स्टॉप समाप्त।